students, welcome to chemistry class. हमारा chapter start है aldehyde, ketone and carboxylic acid. इसके previous lecture में हमने reaction study की थी aldehyde की और ketone की भी with sodium bisulfite that is NaHSO3. Second reaction था हमारा from alcohol and third जो था that is from the Grignard reaction. अब इस lecture में हमें study करना है that is a haloform reaction. तो haloform reaction में हमें क्या देखना है कि ये जो haloform reaction है इस reaction में acetaldehyde, especially acetaldehyde, methyl ketone and secondary type of alcohol जो है वो take part करता है. ठीक है, क्या take part करता है इस reaction में? सबसे important चीज़ कौन सी इस reaction में कि हम जो aldehyde लेने वाले हैं या फिर ketone लेने वाले हैं उसमें compulsory methyl group present होना necessary थी. जैसे for example acetaldehyde है, methyl ketone है और secondary type का जो alcohol होता है वो इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकते हैं और उस कंपाउंड की एसिटाल्डिहाइड या फिर मिथाइल कीटोन है या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल है इसकी रिएक्शन हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ विद आयोडीन. ठीक है, NaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, साथ में आयोडीन रिएक्ट होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन ये रिएक्ट होकर इट गिव्स अ सोडियम हाइपोआयोडाइड दैट इज ऑफ येलो प्रेसिपिटेट. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, मिथिल कीटोन या फिर सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल जो है वो किसके साथ रिएक्ट होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्ट होता है. और जब NaO और सोडियम NaOH और आयोडीन जब रिएक्ट होता है दूसरे के साथ तो इट गिव्स अ सोडियम हाइपोआयोडाइड एंड दैट सोडियम हाइपोआयोडाइड व्हिच इज फॉर्म व्हिच इज ऑफ येलो कलर प्रेसिपिटेट देन इट रिएक्ट्स विद द अल्कोहल अल्डिहाइड या फिर कीटोन दैट कंटेनिंग अ मिथाइल ग्रुप एंड वी गेट अ हैलोफॉर्म. ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि हम जो रिएक्शन में NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन यूज कर रहे हैं वो पहले दोनों रिएक्ट होंगे और रिएक्ट होकर हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट देंगे और वो प्रेसिपिटेट किसका रहेगा? सोडियम हाइपोआयोडाइड का रहेगा और वो प्रेसिपिटेट रिएक्ट होगा आपके मिथिल कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन के साथ और इट गिव्स अ हैलोफॉर्म. वो हमें क्या देगा? हैलोफॉर्म देगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें एक और हमें साइड प्रोडक्ट मिला दैट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. हमें जो सोडियम सॉल्ट मिलेगा दैट कंटेन अ लेस नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, वो ओरिजिनल सब्सटेंस से उसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेगी. इसमें जो हमें उस रिएक्शन में एज अ साइड प्रोडक्ट एसिड मिलने वाला है उस एसिड में एक कार्बन कम रहेगा ओरिजिनल सब्सटेंस से. ठीक है, और ये रिएक्शन जो है इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या लेना है? ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसमें क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. अब उसका आपको एग्जांपल दिया है कि एसीटोन. एसीटोन जो है उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय यूजिंग सोडियम हाइपोआयोडाइड एंड इट गिव्स अ सॉल्ट ऑफ द एसिड. ठीक है, हमें एसिड का सॉल्ट मिलेगा. हमने यहाँ पे एसीटोन यूज किया तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा और हमारा मेन प्रोडक्ट दैट इज हैलोफॉर्म मिलेगा. अब हैलोफॉर्म कहाँ किससे मिलता है? हैलोफॉर्म हमें मिलता है मिथाइल ग्रुप से. जो हम स्पेशली बोल रहे हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप जरूरी है तो वो मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट होता है हैलोफॉर्म में और साथ में क्या मिलता है? सॉल्ट ऑफ द एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है एज अ साइड प्रोडक्ट और उसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते ओरिजिनल सब्सटेंस. अब हम रिएक्शन देखते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या है. हमें रिएक्शन में देखना है एसीटोन. हम एसीटोन लेते हैं. ठीक है, तो एसीटोन दैट इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C. यहाँ पे जनरल रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि हम जो भी अल्टरनेटिव लेंगे उसमें कंपलसरी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना नेसेसरी है तभी वो रिएक्शन कंटिन्यू होगी. अदरवाइज नहीं होगी क्योंकि मिथाइल ग्रुप का ही कन्वर्शन हैलोफॉर्म में होता है. इसलिए तो हमने मिथाइल कंटेनिंग कीटोन लिया जिसका एग्जांपल क्या है? एसीटोन है. इस एसीटोन को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है, इन विद आयोडीन. ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आयोडीन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन ये दोनों रिएक्ट होंगे और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर हमें मिलेगा कंपाउंड दैट इज NaOR दैट इज सोडियम हाइपोआयोडाइड. ठीक है, हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइपोआयोडाइड जो कौन सा कलर का है? इज ऑफ येलो कलर प्रेसिपिटेट. वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है हाइपो
आयोडाइड। ठीक है, अब ये सोडियम जो ना प्रेजेंट है आपके इस कंपाउंड साथ रिएक्ट होगा, आप पहले ये लोगे NaO जो आए ये दोनों पहले रिएक्ट होंगे, रिएक्ट होकर ये लोगों का प्रेसिपिट मिलेगा NaOI का, दैट इज सोडियम हाइपोआयोडाइड का, फिर ये प्रेसिपिट आपका रिएक्ट होगा एसिटोन के साथ और उसमें इस मिडिल ग्रुप को कन्वर्ट करेगा हैलोफॉर्म में और ये जो कंपाउंड है ये हमें देगा एसिड। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल यूज करना है, यहाँ पे यूज थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइपो आयोडाइड, तो आपको याद रखना है। अब मैं थोड़ा इसको स्पेसिफिक करके लिखती हूँ, ये तो आपको यूज करना है, ये इसमें जिसमें आपको यहाँ पे लिखे हुए एन ए आर तीन बार लिखेंगे, ये एन एम आर, ये एन एम आर और ये दूसरा एन एम आर। ठीक है, और हमारे पास आपका कीटोन है, तो हमारे कीटोन में क्या है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड को बॉन्ड सी एच, हमें क्या याद रखना है कि यहाँ का ए सी एच थ्री जो है वो आपको पूरे उसको साइड में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले हमें एक एसिड मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे ये जो पार्ट है इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा ओ एन ए ऐड करना पड़ेगा, इस पार्ट में हम ओ एन ए ऐड कर देंगे तो गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट सी एच थ्री, वी गेट हियर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और इस पार्ट का ओ एन ए, गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम इथानोइक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड या फिर सोडियम इथानोइड बोलते हैं, सॉरी इट्स अ सोडियम इथानोइड या फिर इसको हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमें क्या मिलेगा, अब ये तो बन गया, इसका पोर्शन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, हमें तीनों आयन को अलग रखना ही है, ये हमें हाइड्रोफॉर्म बनाने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन बाद में अब हमारे पास यहाँ पे कितना है सी एच थ्री है, तो इस सी एच थ्री में से जो दो हाइड्रोजन है ये एक हाइड्रोजन एक एन के साथ निकल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे एन के साथ निकल जाएगा एंड व्हाट इट फॉर्म इट फॉर्म्स अ टॉइस एन ए ओएच, तो क्या फॉर्म करेगा टॉइस एन ए ओएच फॉर्म करेगा, ये हमें एक साइड पर मिल गया। अब आपका मेन पॉइंट बचा है, हमने इसमें से दो हाइड्रोजन को यूज कर लिए, दो हाइड्रोजन को दो एन के साथ कंबाइन करके दो एन एच बना लिए तो टॉइस एन एच मिल गया, जो बचा हुआ जो हाइड्रोजन है दैट गेट दैट बचा हुआ ये जो सी एच है दैट गेट जॉइन विद द थ्री आर टू। ठीक है, सी एच और ये तीन आर टू इट जॉइंट फॉर्म्स सी एच आई थ्री, तो हमें क्या मिलेगा सी एच आई थ्री मिलेगा एंड व्हाट इज सी एच आई थ्री इट्स अ आइडो फॉर्म, इट्स अवर मेन प्रोडक्ट, इसमें हमने क्या किया इस मिथिल ग्रुप को हमने इसमें कन्वर्ट किया आइडो फॉर्म में, तो यही हमारी रिएक्शन है हैलोफॉर्म रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी कि जो भी अल्डिहाइड कीटोन हम यूज करेंगे या फिर हम अल्कोहल यूज करेंगे उसमें क्या प्रेजेंट होना जरूरी है अल्डिहाइड और कीटोन मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है और हमारा अल्कोहल जो है वो कैसा चाहिए सेकेंडरी टाइप का चाहिए, और जब हम अल्कोहल यूज करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का पहले कन्वर्जन होता है कीटोन में एंड देन कीटोन का कन्वर्जन होता है हैलोफॉर्म में, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को याद रखना है। आलू आपको रिएक्शन समझ में आए, अब ये मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे कैसे एडिशन होगा ये बताया, हम अब यही रिएक्शन आपको ऊपर अच्छे से लिखे तो हम उसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं, तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, एक हमें मिलने वाला है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। ठीक है, इससे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड दूसरा हमारा आपको पता ही है जो हमने बनाया, दूसरा क्या मिला हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एन ए ओ एच, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट वो क्या मिला था हमें सी एच आई थ्री दैट इज कॉल्ड एज अ आइडो फॉर्म, की होगी आपकी रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक में करके लिखा है आपकी रिएक्शन जिसमें आपको समझ में आया, इसमें ये पार्ट को ब्रेक करना है, ये पार्ट ब्रेक करके इसके साथ हमें पहला ओ एन अटैच है जो मैंने आपको करके बताया है, फिर सेकेंड पोर्शन में हमारे पास दो एन एम बच्चे हैं, वैसे भी हमें ये आइडो फॉर्म के लिए लगेगा इसलिए दो एन एम को हम दो एच के साथ निकाल देंगे तो बचा ये चाहिए जो ये आर इट फॉर्म्स व्हाट आइडो फॉर्म, यहाँ पे आपकी रिएक्शन कम्प्लीट होगी। इस तरीके से आप दूसरे भी रिएक्शन कर सकते हो जैसे एसिड एल्डिहाइड है, इसी तरह आप रिएक्शन कर सकते हो। अब उसमें आपको रिमेंबर के आपको कुछ पॉइंट्स दिए, रिमेंबर में पहला काम ये दिया कि इनकेस आपके मिथिल कंटेनिंग अल्डिहाइडो कीटोन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो उसके प्रेजेंस में सोडियम हाइपोआयोडाइड रिएक्ट होता नहीं, मतलब दो अल्डिहाइड विच कंटेन द कार्बन कार्बन दो अल्डिहाइड और कीटोन दैट इज मिथिल अल्डिहाइड या फिर मिथिल कीटोन दो दैट कंटेन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो आपको याद रखना कि जिस अल्डिहाइडो कीटोन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो वाला अल्डिहाइड NaOI मतलब सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट होता नहीं है, मतलब वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है रिमेंबर का।
उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको बताइए कि मिथिल कीटोन जो है विदाउट मिथिल मतलब विदाउट मिथिल कीटोन की रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आपको मिथिल ये ग्रुप प्रेजेंट था वहाँ पे कंपल्सरी था तब वो रिएक्शन कंप्लीट हुई, ठीक है। मतलब नॉन मिथिल कीटोन डज नॉट डू दिस रिएक्शन, आपका सेकेंड पॉइंट है रिमेंबर का कि नॉन मिथिल कीटोन डज नॉट डू दिस रिएक्शन, ठीक है। कौन सा? नॉन मिथिल कीटोन डज नॉट डू दिस रिएक्शन। एंड देन उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट दिया है सेकेंडरी अल्कोहल का, जो मैंने आपको अभी बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम यूज करते हैं फॉर द हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो सबसे पहले उसका कन्वर्शन किस में होता है? कीटोन में होता है। कीटोन का फर्दर रिएक्शन होके इस तरीके से हमें क्या मिलता है? आल्डोफॉर्म मिलता है। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट दिए हुए, यहाँ पे आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट मतलब एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन का याद रखना कि एल्डिहाइड शुड कंटेन द मिथिल ग्रुप अदरवाइज दिस डज नॉट हैपन, ओके। तो ये हो गया आपका पॉइंट। देन आपको ट्राई दिस दिया तो आप उसको ट्राई करके देखो, ठीक है। देन उसके बाद है अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसमें भी आपको एक रिएक्शन दिए और रिएक्शन में एक्जैक्टली क्या क्या हो रहा है वो हम स्टडी करेंगे। तो देखो अल्डोल कंडेंसेशन में देखो कि अल्डोल कंडेंसेशन कब होता है, तो अल्डिहाइड दैट कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन आइटम अंडरगोज अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। अब डाइल्यूट अल्कली है मतलब क्या? आप NaOH ले सकते हो, देन उसके बाद KOH ले सकते हो, या फिर आप NaBH3 भी एज अल्कली ले सकते हो। तो जब आप अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, ऐसे अल्डिहाइड को जब आप रिएक्ट करोगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अल्कली के प्रेजेंस में जब वो रिएक्ट होंगे, अल्कली में आप NaOH, KOH या फिर सोडियम कार्बोनेट NaBH3 ये ले सकते हो। इसके बाद में जब आप रिएक्शन करोगे तो वी गेट बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, हमें क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे अल्डो, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन कैसे एडिशन होते हैं? हम सिंपल वहाँ पर एडिशन करेंगे, इसको हम बोलेंगे इट्स अ एडिशन रिएक्शन। इट्स ऑल्सो नोन एज अ अल्डोल रिएक्शन बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल। व्हाट इज अल्डोल? अल्डोल इज नथिंग बट अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। जब हम दो अल्डिहाइड को एक साथ ऐड करेंगे, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ बेस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली लाइक NaOH, KOH, Na2CO3, तो वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, नथिंग बट अल्डोल। सो दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्डोल रिएक्शन, या फिर इट्स अ सिंपल एडिशन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एडिशन रिएक्शन ऑल्सो। इसको हम एडिशन भी बोल सकते हैं क्योंकि हम सिंपल एडिशन करें तो अल्डिहाइड का, और हमें इस रिएक्शन में अल्डोल मिल रहा है इसलिए हम उसको अल्डोल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो अल्डिहाइड को रिएक्ट, कौन सा अल्डिहाइड? दैट कंटेन द अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अल्डिहाइड को हम रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH के साथ उसको रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, वो हमें बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड देगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्डोल, उसको क्या बोलेंगे? अल्डोल बोलेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी हमें अल्डोल मिलेगा, जो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हमें मिलेगा, उसका हम फर्दर इलिमिनेशन करेंगे, उसी रिएक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे फॉलोड बाय द इलिमिनेशन। सो वहाँ पे एक सिंपल वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा, एंड इन दैट केस वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज अ दैट वी कॉल एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, बिकॉज वहाँ पे वाटर जब इलिमिनेट होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा अल्फा और बीटा पे, इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अब हम रिएक्शन देखते हैं, और उसका हमें पहले जनरल रिएक्शन दिया, देन वी हैव गिवन द एग्जांपल। हम पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं एग्जैक्टली वहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, आपको क्या हुआ था मैंने कि अल्डिहाइड कंटेनिंग द अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अल्फा हाइड्रोजन कैसे होता है, ये RCH2CH double bond, इट्स योर अल्डिहाइड। अब जल्दी हम RCHO ऐसा लिखते हैं, ठीक है, हम अल्डिहाइड कैसे लिखते हैं RCH double bond O, बट यहाँ पे हमें कौन सा अल्डिहाइड चाहिए? दैट शुड कंटेन द अल्फा हाइड्रोजन, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये इसमें एक और CH2 बीच में ऐड कर दिया R और अल्डिहाइड के बीच में, जिस जो कैंडिडेट बनेगा अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये क्या है आपका? अल्डिहाइड है, और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप वाला जो कार्बन होता है, ये जो फंक्शन ग्रुप है उस फंक्शन ग्रुप के बाजू वाला कार्बन
आपका सी एच ओ क्या है, फंक्शन ग्रुप है, वादिला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और इसमें जितने भी हाइड्रोजन कार्बन पर अटैच रहेंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या है, अल्फा कंटेनिंग एल्डिहाइड। और इसके हमें कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, तो हम उसको दो बार लिखते हैं। हमें दो मॉलिक्यूल को रिएक्ट करना है, वो भी किसके प्रेजेंस में, डायोड अल्केली के प्रेजेंस में। तो ये बन गया था मॉलिक्यूल। अब मैं ट्वाइस ना लिखते हैं, दो बार लिखती हूँ। दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे, दैट इज आर सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं यार इस आर को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे आपकी रिएक्शन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, इस आर को मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हमें अल्फा हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये आपका सेकंड आइडिया का मॉलिक्यूल, सेम आइडिया के लिए सिर्फ आपके पोजिशन को चेंज कर दिया। इसको हम रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट अल्केन, दैट इज डाइल्यूट एनएओ, या फिर केओ के साथ उसको हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल एडिशन होता है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन में ऐसा लिख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये OH बन जाएगा, और ये OH हम कार्बन पर अटैच कर देंगे, और हाइड्रोजन निकलने के साथ साथ ये जो कार्बन है वो कार्बन भी अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन जाएगा आपके कार्बन के साथ। सो ठीक है, क्लियर। देखो आपको क्या बताया, आर जैसा का वैसा, ये आपका सी एच टू। ठीक है, उसके बाद ये सी ऊपर का जैसा का वैसा, ये एच मैं ओ के साथ ज्वाइन कर देती, ये बन जाएगा आपका ओ एच, जो मैं यहाँ पे बॉटम में लिखती हूँ, यहाँ पे हो गया आपका ओ एच। और उसके बाद कार्बन जो है, क्योंकि हमने एच को निकाल दिया तो ये ओ एच बन के नीचे आ जाता, पर ये का यहाँ के बारे में सेटिस्फाइड कर लिया, तो जो एच को निकालने के बाद जो भी ग्रुप बचा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सी एच बचा है और सी एच के साथ क्या है, आर भी है, तो आर आप साथ में भी लिख सकते हो या फिर आपको ऊपर लिखना हो ऊपर भी लिख सकते हो, जैसे आपको लगता है वैसे लिख सकते हो। बचा गया फिर यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड, वो दैट इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका कंपाउंड जो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी। अब इसको बीटा हाइड्रोक्साइड क्यों बोल रहे हैं, देखो ये आपका फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, आपका फंक्शन ग्रुप है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सी एच ओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखा सी एच ओ फंक्शन ग्रुप। फंक्शन के बाद कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। इसके बाजू वाला जो कार्बन है जिसको बोला है बीटा कार्बन, तो ये क्या है, बीटा पोजिशन में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे इसको बीटा हाइड्रोक्सी। और क्या है यहाँ पे, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, तो इसलिए एल्डिहाइड ग्रुप है ना, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी एज अ ब्रांच का काम कर रहा है, वो भी बीटा पोजिशन में प्रेजेंट है, इसलिए हमने लिखा बीटा हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, एल्डिहाइड है, इसलिए लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का हम स्पेशल नाम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ अल्डोल। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो हमें अल्डोल मिला है, जो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला है, ये फिर सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन में जाएगा और आपको एलिमिनेशन करके आपको रिएक्शन मिलेगा। तो आपका अल्डोल क्या है, आर सी एच टू सी एच, जो अल्डोल है एज इट इज लिखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, क्योंकि एलिमिनेशन होगा तो ये आपका अल्डोल आर सी एच टू सी एच, इसी पे आपका ओ एच अटैच है, ये बीटा कार्बन है। और उसके बाजू वाला कार्बन जो है वो क्या है, यहाँ का बीटा कार्बन, और इसके बाजू वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, जिस पे ऑलरेडी एक आर अटैच है और एक एच भी अटैच है, इस एच को मैं ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पे, और ये आपका एल्डिहाइड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन हम जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे वाटर जो है इस साइड से वो एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट होके अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से एच निकल रहा है और बीटा कार्बन से OH निकल रहा है, तो इसकी वजह से इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप वैसे भी है और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। सो व्हाट यू गेट हियर, आर सी एच जैसा वैसा, उसके बाद यहाँ का OH और एच निकल गया, बचा है सी एच, सी एच बचा है, फिर डबल बॉन्ड भी आएगा, देन उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड सी आर सी एच ओ, और आपका ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, और अल्फा बीटा के बीच में अंश
अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि आपकी जनरल रिएक्शन है, हम आपको स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते। क्या हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हुआ। अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप एल्डिहाइड ले सकते हो, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड ले लिया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल में हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे। क्या एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? ठीक है, एल्डिहाइड पे सी एच ओ ग्रुप है, तो वो अगर आपका फर्स्ट हो गया, उसके बाद वाला कार्बन एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है, ये आज सी एच थ्री कॉम्प्लीट कंटेंट का अल्फा हाइड्रोजन। सो एसिटाल्डिहाइड दैट इज सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ, इट इज योर व्हाट, इट इज अवर एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कोली लाइक NaOH, KOH या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमें दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल को एक साथ रिएक्ट किया, तो हमने एक ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल लिख लिया। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे। अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या आएगा यहाँ पे, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ, रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या फिर KOH के प्रेजेंस में, दैट इज अल्कोली के प्रेजेंस में। यहाँ पे आपको सिंपल एडिशन करना, ठीक है, एंड वी गेट अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा, देखो ये भी एसिड एल्डिहाइड, ये भी एसिड एल्डिहाइड है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ का जो CH3 है, अब CH3 में तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन में बाजू में लिखी हो, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे साइड में लिखी, ठीक है, ये CH3 है, बट मैंने उसमें ऐसे लिखा है, दो हाइड्रोजन को साथ में लिखा, एक हाइड्रोजन को सेपरेट लिखा, क्योंकि मुझे ये हाइड्रोजन को यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट करना है। और ये हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा, अल्फा क्यों है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अटैच है, सी एच ओ इस ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है वो अल्फा है, उस पर जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन, हमें एक शिफ्ट करना है, इसलिए मैंने उसको एक सेपरेट लिख लिया। अब ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, व्हाट इज इट हियर, पहला सी एच ओ एज इट इज, इस कार्बन का हाइड्रोजन भी एज इट इज, ये हाइड्रोजन ओ के साथ जॉइन होगा इन द फॉर्म ऑफ ओ एच, इसको हम नीचे अटैच करेंगे। उसके बाद कार्बन की दो वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी तो हमें ओ एच सेटिस्फाई कर ली, एक वैलेंसी बची है, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद ये जो बॉन्ड है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा सी एच टू सी एच ओ, ठीक है, सी एच टू सी एच ओ, इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका जनरल नाम हो गया। इसका अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स उसका नाम क्या है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन भी प्रेजेंट है, मतलब सभी ग्रुप प्रेजेंट है, आर भी प्रेजेंट है, तो कैसे नाम देंगे इसका। अब यहाँ पे हमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दो फंक्शनल ग्रुप में से एल्डिहाइड प्रीडोमिनेंट है, इसकी वजह से वो आपको पैरेंट का नाम देगा। पैरेंट का नाम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ कार्बन से, और नंबर ऑफ कार्बन जब गिनना तो आप नंबरिंग करोगे, साथ में हमें ब्रांच का भी नाम देना होता है। यहाँ पे ये ओ एच ग्रुप की प्रियोरिटी बहुत कम है, सी एच ओ ये प्रियोरल ग्रुप है, ओ एच प्रियोरल नहीं है, इसलिए ये ब्रांच का काम करेगा, और इसका ब्रांच का नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका नंबर हम कैसे मेंशन करेंगे, विद नंबर से, वैसे तो बीटा हाइड्रोक्सी है नो डाउट, ठीक है, बट उसका नंबर हम मेंशन करेंगे, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड, थर्ड पे आपका हाइड्रोक्सी प्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे थ्री हाइड्रोक्सी, ये आपका हो गया थ्री हाइड्रोक्सी, ठीक है, कितने कार्बन है, चार कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा, पैरेंट का नाम आएगा ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड भी है, तो लास्ट वाली निकाल देंगे, उसके लिए हम एयर लिखेंगे, ठीक है, आप वन भी लिख सकते हो, अगर थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डैश वन डैश, वैसे भी एल्डिहाइड फर्स्ट ग्रुप पे होता है, तो आप डायरेक्टली ब्यूटेन डैश लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो तीन और चार, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटा नलिया का कंपाउंड हो गया, ठीक है, इसको हम इन जनरल बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एंड देन आफ्टर वर्ड आपका जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, दैट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगेन अंडरगोस द रिएक्शन, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप पूरा रीडिंग करोगे तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, कहाँ से एलिमिनेट होगा, अल्फा और बीटा कार्बन से, ये वाला एल्डिहाइड के बाजू का अल्फा, इसके बाजू वाला जो कार्बन है आपका वो क्या है, बीटा कार्बन है। अब आपको पता है कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा सी एच टू। अब जब ये एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से ओए, तो इसकी वजह से वहाँ पे वाटर एलिमिनेशन की वजह से अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड व्हाट वी गेट हियर, वी गेट सी एच थ्री बॉन्ड, बचा गया है वहाँ पे सी एच, उसके बाद डबल बॉन्ड,
फिर से CH एंड CH, अब इसको हमें नाम देना है, इसका नाम हम कैसे देंगे, आपके पास aldehyde भी है, aldehyde ग्रुप है तो aldehyde ग्रुप करते हैं, इसको हम पैराथन सेलेक्ट करेंगे, नंबर करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चार नंबर है तो पैराथन नाम आपका क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है बीच में, मतलब ब्यूटेन का हो जाएगा ब्यूटीन, तो एल की जगह पे आएगा ईएन। अब हमें पता कि ब्यूटीन की पोजिशन भी मेंशन करनी होती है, तो ईएन ही मतलब डबल बॉन्ड, कहाँ पे सेकंड कार्बन पे, तो हम बीच में पहले सेकंड लिखेंगे एंड देन ईएन लिखेंगे, बट डैश टू डैश ईएन, एंड देन उसके बाद इसमें aldehyde ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो aldehyde ग्रुप हम क्या लिखते हैं एयर, तो लास्ट में ई फिर से निकाल देंगे और वहाँ पे लिखेंगे ए एल। अब इसकी पोजिशन वैसे भी फर्स्ट होती है तो उसका नंबर लिखने की जरूरत है, बट डबल बॉन्ड को आपको मेंशन करनी पड़ेगी ईएन के सामने, क्योंकि ईएन क्या रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड, जो कहाँ पे सेकंड पे, तो ईएन के सामने सेकंड लिखा, सेकंड ईएन, और ईएन का भी लास्ट वाला निकाल दिया, उसने पे क्या रखा एयर, बिकॉज ऑफ aldehyde भी है, तो इसका नाम है बट डैश टू डैश एनर। तो ये आपका हो गया aldol condensation by using acetaldehyde, ओके। और उसके बाद आपको सेम एग्जांपल दिया है कीटोन के लिए, जो हम नेक्स्ट रिएक्शन में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे उसको, ठीक है, और इसके साथ में क्रॉस aldol condensation भी देखेंगे।